तो आज 9:15 हो गया है और शिवा अभी तक नहीं उठा, सोता ही नहीं है रात को अच्छे से, तो अभी तक। और मौसम आज भी मौसम अच्छा सा हो रखा है, हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन यह है कि धूप वगैरह आई रही है, तो धूप तो आई रही है आज, तो अच्छे से हो रखा है। नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, काम वगैरह मेरा सारा हो गया, बर्तन वगैरह भी सब हो गए। मुझे लग रहा ना मेरे बर्तन काले हो रहे, मतलब बर्नर ना साफ करना हो रखा है, तो इसकी वजह से होते हैं बर्तन काले, तो कर लूँगी बाद में। और ये भी उठ गए हैं, तो ये अपनी दुकान जाने की तैयारी करेंगे, मतलब इनका भी नाश्ता वगैरह हो गया तो साफ हो जाए ना घर टाइम पे, तो सही लगता है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप? आई हो पापा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस निकेटिव में। अभी सुबह का 9:30 बज गया है और काम वगैरह सारे हो गए हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा लिया। तो पूजा वगैरह सब हो गया था मेरा, तो टाइम पर उठ जाओ ना, मतलब टाइम पर क्या उठी थी मैं, 7 बजे ही उठी थी, लेकिन शिवा सोया रहे तो हो जाता है, लेकिन अब यही है कि अब तो सोएगा नहीं, और दिन में ही सोएगा डायरेक्ट, तो तब तो कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूँगी अब फिलहाल। और गले में ना वो जैसे दवाइयाँ वगैरह खाओ ना, बज गया बाजा। तो अभी तक शिवा यहाँ पे सोया था, तो शिवा सोया था, ताई जी आई थी ना, तो शिवा उनके साथ चले गया नीचे, और ये नहा रहे हैं बाथरूम में है, इनका टॉवल निकाला हुआ है मैंने। और आज यहाँ पड़ोस में शादी है ना, मतलब आज नहीं है, कब की है, 4 से स्टार्ट है, 5 को शादी है, तो इनके लिए मतलब हमारे लिए कार्ड आया हुआ है, अभी आई थी उनकी छोटी सी बच्ची तो कार्ड देने, तो अभी पढ़ेंगे इसे। शिवा ना अपने पापा को कैसे देख रहा, क्या कर रहे पापा? अरे ये तो ना उठते ही ना एक राउंड घूम के भी आ गया। मैंने ये बनाया था काली मिर्च और शहद का पेस्ट, तो मैंने ये खाया ना, मेरा गला ठीक हो गया, खा लेना ये। इनका भी हो रहा ना गला, होता ना दवाई वगैरह खा के ना गला सूख सा जाता है, तो सही हो गया इसको खा के, मेरा तो ठीक हो गया, मतलब अभी आराम मिल रखा। क्या बोल रही मैं, ओए क्या बोलिए, नीचे बैठो, बम हो जाएगी, नीचे बैठो अभी ना, बम। अभी मैंने इसकी मालिश वगैरह करके, इसकी धुलाई हुलाई करके इसको तैयार कर दिया है, अब मैंने सोचा ये सोएगा, 11:30-12 होने वाला है। कहाँ मैं उठी ना बेड से, तो है कर रहा, देखो शिवड़ई और मेरी शिवू, रूम की हालत देखो, अंदर वहाँ लेटे हुए थे मैं और शिवा जब तक धूप थी। कहाँ जा रहे हो शिवाजी, कहाँ जा रहे हो शिवाजी? कहाँ? बाहर देख रहा, बंद है, बाहर देख ला। तो रूम की हालत तो मेरे शिवा ने कहा करिए, आज तो सुबह ही हो गया यहाँ सब कुछ, टॉवल मैंने उधर फैलाए हुए थे, तो धूप तो लगभग चले गई है, और शिवा का टॉवल भी वहीं फैला दूंगी, क्योंकि कहाँ बाहर डालो, अभी सूखी जाएगा, उतना गीला भी तो रहता है नहीं, क्योंकि इसको ना मैंने मतलब नहलाया, पर वैसे करके ना होता है ना थोड़ा बहुत सफाई, क्योंकि इसको भी आदत है सारे कपड़े जैसे आरा डालो बच्चों की ना पहले से ही। तो यहाँ पे रख दिया टावर सेवा का भी, ये तो बाद में समेटूंगी। इसका घोड़ा आओ 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 निकलो, इतना चालाक ना, पहले चुपचाप से ना वहाँ बैठाओ। अरे फंस गया तो किसने कहा बेटा वहाँ जा, हैं? आओ बाहर आओ, पता खुद गया वहाँ, आराम से बैठा वहाँ अंदर, क्या देखो, हाँ देखो, हाँ फिर जा रहा। ये अब यहाँ फंसेगा, उसको पता ना कहाँ फंसने वाली चीज़ है, अट्टे टावल मैंने ना वहाँ बंद कर दिया, क्योंकि बार बार जाके ना वहाँ से टावल खींच के लेके आ रहा था,
ये टॉवल इसने मैंने यहाँ रख रहा था ना हाथ पोंछने के लिए, तो ये निकाल रहा हूँ वहाँ से, फिर आएगा देखा। काम बढ़ाना है इसको, अपनी माँ का काम बढ़ाना है, बेचारा करे भी तो करे क्या, क्या कर, देखो वहाँ देख रहा कुछ नहीं। मैं कर रही हूँ अभी दिन के खाने की तैयारी, तो मैंने रखे चावल उबलने के लिए, और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी अपने लिए मैगी। मन हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैंने मसाले वगैरह ना घर के ही डाले मैंने, क्योंकि बाज़ार वाले में प्याज होता है। तो चावल उबलने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि सागर का मन हो रहा है फ्राइड राइस खाने का, तो उनके लिए फ्राइड राइस बनाऊंगी। बस वो तो ना फिक मतलब बिना दाल दूल के ही अच्छा लगता है ऐसे खाने में, तो आज शॉर्टकट वाला खाना बनेगा। तो थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है, तो मैं मैगी के साथ रोटी खा लूँगी, देखती हूँ अभी कैसा मन होता। तो मैंने थोड़ी सी मतलब बना ली है मैगी, और शिवा अशिवा का मन हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, चावल बॉईल हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको देखने का। तो जब मैं कुछ काम करने जाऊंगी ना, तो गोदी में चढ़ जाएगा मेरे, हैं कहाँ बोलो, पीठ को दिखाता रहता है आपका, ऐसे बोलो जय करो सबको, जय कर दो सब, जय करो, जय करो, जय करो, जय करो, कहाँ भाग रहे हो, पहले जय करो, पहले जय करो, पहले जय। देखो मैं यहाँ पर बैठ गई ना, अब खेलने लग जाएगा अपना, जैसे मैं उधर जाऊँगी ना किचन की साइड, है ना, क्या बोल, क्या ये क्या हो रहा, क्या हो रहा है। मैं इसको खिला रही थी ना, इसने इतना हल्ला मचाया कि मतलब मैं अपने आप से खाऊंगा, और ये देखो फ्राइड राइस का क्या हाल कर दिया, खा नहीं रहा, खेल रहा, खाता ही नहीं है कुछ भी। तो हे गाइस, अभी आप अगर अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, और शिवा तो यहाँ पर गोद में खेल रहा, उतरा नहीं है नीचे, ना क्या हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो, हाँ। और खाने में है आज ये फ्राइड राइस। तो अभी शाम का 5:30 हो गया है, और शिवा सो ही रहा है। तो दिन में तो मैंने इतने सारे बर्तन धुल दिए थे, ज़्यादा ही बर्तन थे आज, तो ये धुले। आवाज़ ना बैठ रही है, तो मेरी आवाज़ को मतलब इग्नोर करना, तो अभी पता नहीं क्यों गला ना बैठ ही रहा है। तो और मौसम बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़, दिखाती हूँ मैं मौसम। और कपड़े मैंने यहाँ पर फैला दिए हैं, कुछ तो सूख गए, कुछ सूखे नहीं हैं। तो मौसम दिखाती हूँ आपको, तो मौसम ना पूरा बादल बादल वाला हो गया है, पता नहीं बारिश आएगी क्या होगा मौसम का। आई रही है बारिश, बारिश हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो मौसम तो हो गया फिर से, फिर ऐसे मौसम में तो तबीयत खराब होती है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। तो मौसम तो हो गया है यहाँ पे खराब, बारिश हो रही है ना शिवा, अशिवा भी उठ गया। तो शिवा भी उठ गया, और इसकी ना अच्छे से नींद पूरी हो गई आज, है ना। तो उठते ना खेलने खुलने लग गया था, तो थोड़ा इसको लेके चलती हूँ नीचे, चले। तो अभी बज रहा है 7:45, और शिवा तो बग्गी के साथ खेलने लग गया, मैंने बग्गी इधर कर दी क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। जैसे बारिश की आवाज़ आई थी ना, शिवा ना दौड़ के मेरे पास आ गया। तो मैंने अभी आटा गूंदा हुआ है, और दिन के इतने सारे फ्राइड राइस पड़े हुए हैं, तो फिलहाल मैं दाल वगैरह अभी कुछ नहीं बनाऊंगी। इनको फ़ोन कर रही हूँ, ये फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, ये मेरे पीछे भाग रहा, ये देखो कितनी तेज़ सी बारिश हो रही है, आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। तो अच्छा एक बार ना मैं शाम को सोच रही थी यहाँ की खिड़कियाँ खोल देती हूँ कि थोड़ा गर्मी गर्मी सुन लगे, अच्छा मैंने खोली नहीं। तो तेज सी बारिश हो गई शुरू, तेज सी बारिश हो गई शुरू, हम चलते हैं अंदर। अशिवा ने मेरा स्कार्फ कहाँ फेंका हुआ है बच्चा, हैं
अच्छा काम क्यों करते हो आप? बोटा गोदी में इसको ना बारिश देखने का मन हो रहा होगा। लेरी लेरी तो शिवा कैसा लग रहा? शिवा का शिवा कैसा लग रहा सब बताना कमेंट्स में। हमारा शोना बेबी कैसा लग रहा? इसको ना आप अच्छी आती है, सिर्फ देखो कैसे निकालेगा, रखता नहीं है ये जाना। अब जब मैंने ना इसे ये ऐसे करके कवर करा तो चिड़ा ये बग्गी से ही खेलने लग गया, बग्गी को ही चलाने लग गया ये। अब आए ये देखो शिवा कितने गंदे गंदे काम कर रहा है। हैं हाँ अपने घोड़े से खेलो, वहाँ बग्गी से खेल रहा है, सारे कपड़े नीचे फेंक दिए। वो कपड़े कौन उठाएगा बेटा? कपड़े उठाओ, चलो उठाओ कपड़े। कपड़े कहाँ हैं? कपड़े कहाँ हैं? उठाओ ये, उठाओ कपड़े। ये पीछे है देख रहा, ये कपड़े। हाँ उठाओ कपड़े उठाओ। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं नीचे आरती में, कीर्तन में। ये ना बारिश को देख के ये कर रहा, बारिश बंद हो गई है अभी, यहाँ पे ना बूंदे बूंदे गिरी भी है, तो काफ़ी अच्छा सा हो रहा, ठंडा ठंडा सा हो रहा बाहर। और अभी मैंने पराठे बना के रख लिए हैं, लगभग 8 बज गया, तो ये भी आ ही जाएंगे 15-20 मिनट बाद, ये जब 9:45 बजे तक आ जाएंगे। तो पराठे बना के रख लिए हैं, थोड़ा सा फ्राइड राइस भी पड़ा हुआ है, तो चाय के साथ पराठे खा लेंगे, वो भी खा लेंगे। रुक जा रुक जा, तो चलते हम। इसको ना बेचैनी हो रही कि तू इधर को क्यों आ गई, कि आगे को जा रही थी इधर क्यों आ रही। तो चलती हूँ मैं आराम आराम से। तो ना इतना गीला गीला सा हो रखा है यहाँ, और आज ना यहाँ यहाँ है शादी ना सामने घर पे, मतलब जिनकी दुकान है नीचे उन्हीं के लड़के की शादी है, तो उन्होंने ये लगा लिया यहाँ पे। तो चलते हैं मैं शिवा। सो हे गाइस, अभी आया मैं घर, अभी बज रहे रात के 9:30 और शिवा तो घूम रहा है यहाँ पे। तो शिवा को मैंने गोद में उठा लिया, अभी जिद कर रहा है। क्या क्या करा तूने आज बताओ? क्या ये दिख रहा? क्या दिखा रहा? ये करा। बारिश तो अब रुक गई है, बारिश बहुत तेज हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी है। और ये बना रही है चाय, और खाने में आज चाय पराठे, तो खाते हैं। शिवा क्या क्या करा आपने आज बताओ? क्या क्या करा? दंगा मस्ती है बता रहे क्या क्या करा मैंने आज।